हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी जॉब्स लेकर आया हूं दोस्तों। और जॉब्स अगर मैं आपको बताऊं तो 10th स्टैंडर्ड पर्सन के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, इवन अगर आपको फर्दर एक्सपीरियंसेस है तो आपके बहुत काम आ सकता है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑप्शंस में आपके लिए आज इस जॉब के अंदर लेकर आया हूं, दोनों तरह की जॉब्स लेकर आया हूं। तो आज जो जॉब्स हैं, अगर मैं यहां पर नाम लूं आपको तो देखिए, नर्सिंग के लिए भी जॉब्स है, और जो लोग स्टेनोज बनना चाहते हैं उनके लिए भी जॉब्स है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी जॉब है, क्लर्क के भी लिए जॉब है। तो देखिए दोस्तों, कितनी तरीके की जॉब्स। और जो लोग अकाउंट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उनके लिए भी प्राइवेट जॉब अवेलेबल है। आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो जॉब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं। देखिए दोस्तों, अब जो मैं आपको जॉब बता रहा हूं वो जॉब है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जिसे श्रम कार्यालय भर्ती हम कह सकते हैं, उसके अंदर जॉब है आपके लिए। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यहां पर किस किस तरीके की बातें हैं मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं। ये जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है, ये करीबन 70 पोस्ट है। और यहां पर मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, स्टाफ नर्स, उसके अलावा फार्मासिस्ट की भी पोस्ट आपका वेट कर रही है। तो जॉब्स तो बहुत है दोस्तों, LDC की पोस्ट है। ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सी सूटेबल है, हम किसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहां पर जो अप्लाई मोड रहेगा दोस्तों, वो बाई पोस्ट रहेगा। अप्लाई ऑफलाइन है, आपको रिटन एग्जाम पास आउट करना है और आपको जॉब लगना है। अब देखना यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस जब रिटन एग्जाम है तो आप किस तरीके से पास आउट करते हैं। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, यहां पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, करीबन 18,000 से लेकर 35,400 रुपए तक आपकी सैलरी पर मंथ हो सकती है। और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 45 years, up to 45 years आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जॉब लोकेशन है वो है गोवा, ग्रेट प्लेस। 45 years के अलावा भी बच्चों, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्दर रिलैक्सेशंस है। और यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है वो भी हाईलाइट नहीं की गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों, यदि आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है और कोई डिप्लोमा होल्डर है, तो मुझे लगता है कि ये जॉब आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी। और फ्रेंड्स, ये जो जॉब है ये बहुत लेटेस्ट जॉब है, 31 मई इसकी स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो है 21st of June। चलिए मैं आपको थोड़ा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और उसके बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद चलते हैं अपने प्राइवेट जॉब की तरफ। दो जॉब्स का प्रॉमिस किया है, इजंट इट? तो दोनों जॉब्स ही बताऊंगा, आप अप्लाई कीजिए दोस्तों। मुझे लगता है कि इंडिया के हर कॉर्नर से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और जॉब्स पा सकते हैं। Now friends, we can see the recruitment of labor and employment department, and this recruitment is very latest. You can see the last date also, the jobs are MTS, pharmacist, and everything is written. Even the salaries, pharmacist salary is 29,200, staff nurse salary 35,000, great, 400, LDC 19,900. जूनियर स्टेनोग्राफ 25,500, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी सैलरीज है भाई। और MTS की इवन 18,000 रुपया सैलरी पर मंथ वो बता रहे हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके दिए हुए, ऑलरेडी मैं आपको वैसे दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को देखकर भी जज कर सकते हैं ये जॉब आपको कितना सूट कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग ये आप फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आप देख रहे हैं 45 years तक, इसके बाद भी रिलैक्सेशन है, ध्यान रखिएगा, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस, दिस इज वेरी कंपल्सरी, आपका रिटन एग्जाम होगा और वो आपको क्लियर करना है। और अप्रोक्स मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, वो 100 marks का होगा। और आपको ये जो फॉर्म फिलअप करके भेजना है, इसका एड्रेस भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, बाकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल कम टू नो मोर। और इसी तरीके से मैं आपको दूसरी जॉब के बारे में जल्दी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो ये वो लिंक है, ये वो पर्टिकुलर साइट है जिस पर आप जाएं, ताकि आप रॉन्ग साइट पर ना जाएं। और यहाँ पर जाते हुए आपको सब जॉब्स के बारे में मिल जाएगा। MTS के बारे में देखिए डिटेल दे रहा है ये, टोटल जॉब्स आपको बता रहा है 12। और यहाँ पर फिर से एज के बारे में, एक्सीडिंग 45, उसके बाद रिलैक्सेशन है, एलिजिबल कैंडिडेट्स ही, और रिटन एग्जाम के बारे में ही 100 marks, जो मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि 100 marks का ही होगा आपका जो पेपर होगा। और डिटेल्स ऑफ सिलेबस विल बी इंटीमेटेड, ओके, एडवांस आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू प्रिपेयर करके रखिए, ताकि आप कोई भी और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स मैं आपको देता रहता हूँ उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और उसके डेट जो आपको मेंशन की गई है 21st June, इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो इट इज़ टोटली इन वेन। तो प्लीज़ आप अप्लाई जल्दी कीजिए।
अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट जॉब के बारे में। तो ये है कैपजेमिनी, जहां पर अबंडेंट ऑफ जॉब्स आपका वेट कर रही है। कैपजेमिनी इज अ कंसल्टिंग कंपनी दैट प्रोवाइड्स आउटसोर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू द अदर कंपनीज। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो जॉब्स कैपजेमिनी अवेलेबल करवाएंगी आपको, उसके लिए आप बिल्कुल फ्रेशर, अगर आप ग्रेजुएट फ्रेशर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाई देता हूँ और वहीं से ही हम एक्सप्लेन करते हैं आपको एक एक चीज। फिर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करना, डिटेल्स भरना, आप अपना अकाउंट क्रिएट करना और उसके बाद अपना रिज्यूमे अपलोड करना। और रिज्यूमे आप हमारी किलर रिज्यूमे से ही बनाएंगे। आप यूट्यूब पे जरूर लिखिएगा किलर रिज्यूमे पीडी क्लासेस, कवर लेटर पीडी क्लासेस, आपको हमारे दो बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। वहीं से आप अपना कवर लेटर रिज्यूमे बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों अगर वो आपसे एक्सपीरियंस वगैरह पूछते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उसे छोड़ सकते हैं और आप आगे अपलोड कर दीजिए उसको। आप हमारे दोनों चैनल्स पर जॉब्स के बारे में देख सकते हैं। हम अपने दोनों चैनल्स पर आपको जॉब्स के बारे में बता रहे हैं। पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड पर आपके लिए अबंडेंट ऑफ जॉब्स, इवन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी हम आपको रेगुलर दे रहे हैं। होप आप एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों ऐसा करते हैं, हम उस स्क्रीन पे चलते हैं और आपको स्क्रीन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे आप अंदर जाकर इस प्राइवेट जॉब में एज अकाउंट आप जॉब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस जॉब पर आएंगे अकाउंट्स फ्रेशर्स के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, इनवॉइस बनाना, मंथ एंड की एक्टिविटीज़, क्लोजिंग, डैशबोर्ड, पोस्टिंग जर्नल्स वगैरह, और क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए वो भी देख लीजिए। क्रिएशन ऑफ न्यू वेंडर्स, सप्लायर्स एंड सिस्टम, क्रिएशन ऑफ पेमेंट बैचेस फॉर वेंडर्स एंड एम्प्लॉयज, सेकेंडरी स्किल्स भी आपके अंदर जो भी दी गई है दोज ऑल शुड यू मस्ट हैव। जॉब्स बहुत लेटेस्ट है दोस्तों, अगर इस जॉब्स को आप देखेंगे ना तो आप ये देखेंगे ये जो जॉब है ये पोस्टेड हुई है 31 मई, अगेन आई कैन से लेटेस्ट जॉब। और एक्सपीरियंस लेवल इसमें ये बोल रहे हैं या तो आप ग्रेजुएट हैं, इवन एंट्री लेवल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस जॉब। जब आप एंटर करते हैं इसमें तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी अप्लाई के लिए जब करेंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड, और देखिए नीचे देखिए यहाँ पर ये साइन इन तो करना जरूरी है दोस्तों, उसके अलावा आपको एक अकाउंट बनाना होगा, वो बहुत कंपलसरी होगा आपके लिए। तो यू विल क्रिएट एन अकाउंट इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यू आर सपोज टू गिव योर ईमेल आईडीज एंड ऑल अदर थिंग्स, रीटाइप योर पासवर्ड, ये सब करेंगे तो आप अपना अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे। और जब अपना अकाउंट ओपनिंग कर लें तो आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएगा, मींस आपका अकाउंट क्रिएट हो गया दोस्तों तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। और वॉट एवर दे आस्क द क्वेश्चंस आप फटाफट फिलअप कीजिए। और मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट जल्दी से जॉब लगें, और भी जॉब्स पाने के लिए हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखें प्लीज़। सो होप स्टूडेंट्स मैंने जो आपको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैपजेमिनी और ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि ये दोनों जॉब्स, दोनों क्राइटेरियाज आपको सूट करेंगे और डेफिनेटली आप जॉब्स प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।